अस्सलाम वालेकुम। सेकंड टर्म डे 9 यूनिट नंबर 12 पुशेस एंड पुल्स पेज नंबर 56 नेक्स्ट हाफ रीडिंग। बाय अप्लाइंग अ फोर्स वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स को अप्लाई करने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक चेयर पड़ी हुई है हमारे पास, हम उसको उठाकर दूसरी जगह पर लेकर आते हैं, उसके लिए फोर्स की ज़रूरत होगी। तो जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे उससे चेयर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इस तरह फोर्स को अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास अ फोर्स कैन ऑल्सो स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो चीज़ें हरकत में होती हैं उनको भी स्टॉप कर सकती है, यानी रोक सकती है। फॉर एग्जांपल हम बाइसिकल चला रहे हैं, जब तक हम ब्रेक पर फोर्स नहीं लगाएंगे बाइसिकल नहीं रुकेगी। इस तरह फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी रोकती है। अब हम करेंगे पेज नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज द फोर्स चेंज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स किस तरह से मूविंग ऑब्जेक्ट्स की पोजिशन को चेंज करती है। इसका आंसर है व्हेन वी पुश और पुल थिंग्स। W राइट करेंगे। H E N when we W push P U S H push or pull P U double L when we push or pull things T H I N G we make them move, we make M A K E make them move. M-O-V-E, move. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए हम पुश और पुल की फोर्स अप्लाई करते हैं।